बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा सारे दा। मैं हाँ हरजोत कौर, गल आस्ट्रेलिया की करन जा रहे हैं। सो जी टी क्लीयरेंस तो लैके जोड़े भी स्टूडेंट्स के सवाल बहुत बने रहते हैं। अज भी यह वीडियो खास तौर पर तुहाडे लई ही है, क्योंकि जो तो आप गल आस्ट्रेलिया की करते हैं तो जोड़े तीन मेजर इनटेक्स की आप गल अक्सर करते हैं, अप्रैल जुलाई एंड नवंबर इनटेक। सो हूँ समा जिमें जिमें लंघता जा रहा है, इनटेक्स भी हौली हौली लंघते जा रहे हैं, किहड़े स्टूडेंट्स नूं जल्दी दे नाल अपना प्रोसैस शुरू कर देना चाहिए ताकि जी टी क्लीयरेंस नूं लैके भी तुहानूं कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पवे। सो अज पूरी कलैरिटी तुहानूं टॉपिक्स उपर देंगे साडे नाल ने फ्रंटेरा इमीग्रेशन तो अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर कीर्ति जैन। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति। सत श्री अकाल। सो कीर्ति, पहला इनटेक्स नूं लैके तुहाडे तों अपडेट मैं जरूर चाहांगी, क्योंकि आपां अगर गल करिए अप्रैल दी ऑलमोस्ट उजली इन्ना समा नहीं बचिया, पर जुलाई इनटेक की जब गल करिए या आपां नाल नवंबर इनटेक की गल करदे आं, किहड़े स्टूडेंट्स नूं कहोगे किहड़े इनटेक लई फटाफट तैयार है, नाल दे नाल जी टी क्लीयरेंस नूं लैके भी सवाल बहुत ज़्यादा ने स्टूडेंट्स दे, किस तरह के प्रोफाइल्स नूं जी टी क्लीयरेंस नूं लैके प्रॉब्लम फेस करनी पै रही है? जी बिल्कुल, पहली गल तो मेरी सजेशन है जिहड़े बच्चे जुलाई इनटेक लई अपलाई करना चाहते हैं, तो मेरा परसनल एक्सपीरियंस आई कहिंदा कि जदों भी तुसीं किहड़े भी इनटेक लई अपलाई करना एटलीस्ट 3 to 4 months पहला अपलाई करो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जी टी सब तो ज़्यादा टाइम लैंदा है, तो ऑफर लैटर भी इनफैक्ट टाइम लैंदा है, तो तुहानूं नहीं पता हुंदा जदों भी तुसीं अपलाई कर रहे हो कि तुसीं जिस भी कॉलेज में अपलाई कर रहे हो वो कॉलेज का टाइमली ऑफर लैटर आएगा भी नहीं आएगा, या बच्चे ने कई बार ऑप्शन वध नहीं लीते होंगे। सो मेक श्योर हूँ आप जो जुलाई इनटेक की गल करें ये राइट टाइम है तुहाडा अपलाई करन दा, क्योंकि हजे 22 स्टूडेंट्स लई कोई भी कॉम्पीटिशन नहीं है, सिर्फ एक ही रीसेंट पास आउट कैटेगरी 22 पास आउट ने वो एक्सैप्ट हो रहे हैं, तो तुसीं आराम नाल जे हुणे अपलाई करदे हो सकदा है जिहड़ा ऑस्ट्रेलिया ने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज ने टाइम दिता है 40 to 45 वर्किंग डेज का, हफ्ते विच भी ऑफर लैटर आ सकदा है, क्योंकि हजे कॉम्पीटिशन नहीं है, तो जुलाई इनटेक अपना मेजर इनटेक हुंदा है, तो नाले टाइम भी हैगा है। सो तुसीं जल्दी अपना ऑफर लैटर लेके अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो, बट ऑस्ट्रेलिया विच सीट लेना ही सिर्फ एक मुद्दा नहीं हैगा, जीटी सब तो वध टाइम लैंदी है, तो उहदे लई भी आपां नूं प्रिपेयर रहना पैना, क्योंकि जीटी विच कई वारी बच्चे दे 3-3 महीने भी लग जांदे हैं। सो मेक श्योर जे आपां जुलाई इनटेक विच एडमिशन लेना है तो हुणे तो ही अपलाई करूंगे, तां ही तुहाडे टाइम लई जीटी क्लीयर होगी, तुसीं जुलाई विच जा सकदे हो, अदरवाइज ऑटोमैटिकली यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज तुहाडा इनटेक डैफर करके नवंबर कर सकते हैं, तो 22 पास आउट स्टूडेंट्स लई नवंबर इनटेक मुश्किल बन सकता है, क्योंकि अपने को 23 दे स्टूडेंट्स भी आ जाने, कॉम्पीटिशन बढ़ जाना है, तो ऑफकोर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी 23 सैशन के स्टूडेंट नूं ही इंपोर्टेंस देंगे, क्योंकि रीसेंट पास आउट ने, तो क्रीम प्रोफाइल जी आप कहते हैं वो साढ़े को आ जाने हैं, तो हूँ तो इनफैक्ट 23 स्टूडेंट जिन्हों के एग्जाम चल रहे हैं उन्होंने कंडीशन ऑफर लैटर अपलाई करनी शुरू कर दी है, तो कॉम्पीटिशन ऑटोमैटिकली कितने ना कि 23 दे सैशन के कोल जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सुकीर्ति इतने मैं भी जरूर चाहूँगी कि क्लीयर करो, तुम चाहे किसी भी इनटेक लिए अपलाई करने की गल होंगी है, जी टी क्लीयर करने लैके केड़ा किस तरह का प्रोसैस जो है उस उपर फोकस करना चाहिए, मैं चाहूँगी स्टैप बाय स्टैप इस चीज़ में तुम समझाओ जी टी क्लीयरेंस में लैके, क्योंकि सवाल बहुत सारे कई स्टूडेंट्स साढ़े को आ रहे हैं कि जी टी क्लीयर नहीं हो रही, की रीजनस रहते हैं वो। जी बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट साढ़े को भी आते हैं कि 3 महीने हो गए जी, 6 महीने हो गए साढ़े जी टी क्लीयर नहीं हो रही है, तो पहली गल तो बहुत बच्चे जी टी पता ही नहीं होंगी एक्चुअल से है कि सो बेसिकली जी टी थोड़ी एक वैलीडेशन पॉइंट है जिथे यूनिवर्सिटी कॉलेज ये चैक करता है कि जे आप थोनू ऑफर लैटर दिता है क्या तुसीं एलिजिबल हो, तुसीं इत्थे दी गवर्नमेंट कोल आके बर्डन तां नहीं बनूंगे, या असीं एक राइट परसन नूं बैकग्राउंड चैक करके ते वो अपने खर्चे अफोर्ड कर सकदा है, नहीं उस तरह दी वैलिडेशन उहनां दी चैक हुंदी है, ते इहदे विच बच्चे नूं सब तो वड्डी गल जिहड़ी आउंदी है कई वार उहदे कोल ऑफर लैटर आ चुक्या हुंदा है उहनूं अपने कैंपस बारे अपने कॉलेज बारे ही नहीं पता हुंदा। सो सब तो पहला पॉइंट इत्थे इही आउंदा है कि बच्चे नूं इह चीज़ क्लीयर होवे किन्ने टाइम दा कोर्स है, किन्नी उहदी फीस है, ते साल दी फीस किन्नी है, तो जे उस साल की फीस उन्होंने क्लीयर है तो किन्ने टाइम की पे कर जा रहा है, क्योंकि जो भी आप फाइल एक एम्बेसी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं हमेशा ही जो पहला हिसाब होंगे वो एक साल का होंगे, तो जजमेंट सारी साल की होंगी कि अपनी पहले साल की फीस किन्नी है, नाले पहले साल के खर्चे किन्ने होंगे, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड सैट किया हुआ है कि एक लिविंग एक्सपेंस इंटरनेशनल स्टूडेंट की आप गल करते हैं तो अपने $1,004 जो आप गल करिए तो साढ़े को इन्ने एक्सपेंस होने चाहिए हैं। सो उसके अकॉर्डिंग किसी बच्चे की साल की फीस $15,000 भी हो सकती है, किसी की $8,000 भी हो सकती है, किसी की $30,000 भी हो सकती है, अगेन फीसा भी थोड़े बजट के अकॉर्डिंग होंगे कि तुम कि यूनिवर्सिटी के कॉलेज चूज किए हैं, तो जे थोड़ा पहला अपना लिविंग एक्सपेंस ट्यूशन फीस का क्लीयर हैगा है, सो डेफिनेटली टोटल बजट साढ़े को इन्ना अवेलेबल होना चाहिए है। मैं एक लेमन लैंग्वेज समझावगी, जे मेरी साल की फीस 15 लाख है और मेरे
साल का खर्चा 10 लाख है तो टोटल बनता 25 लाख तो मेरे को मेरे अकाउंट या मेरे पेरेंट्स अकाउंट जो भी मैं स्पॉन्सर कर रहे हैं इन्ना पैसा अवेलेबल होना चाहिए यूनिवर्सिटी के कॉलेज में दिखाने लिए। जे थोड़े को 24.5 लाख रुपये भी है 24 लाख रुपये भी भावें 24,90,000 भी है तो भी वह एक्सैप्ट नहीं होगा। पूरे फंड का मतलब है जिनी एग्जैक्ट अमाउंट साड़ी बनती है वह होनी चाहिए है क्योंकि आप जो अज की गल करते आप अज के अकॉर्डिंग डॉलर रेट कटूंगे बट हो सकता है जो तुम कॉलेज में जी टी देनी उस टाइम डॉलर रेट बढ़ गया हो सो मेक श्योर हमेशा ही बजट जिन्ना बनता है उस तो आप 1-2 लाख रुपये एक्सट्रा ला के ही चलीए। दैन सैकेंड गल आती है हूँ थोड़े पेरेंट्स थोड़ा स्पॉन्सर कर रहे हैं तो किस बेस से स्पॉन्सर कर रहे हैं जो वो इन्ना पैसा शो कर रहे हो कितों शो कर रहे हैं उन्होंने इनकम प्रूफ की है उन्होंने ये इनकम कितों आ रही है। सो जो मेरे फादर गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो उन्होंने को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होएगी उन्होंने अकाउंट में सैलरी आ रही होगी उन्होंने ज्वाइनिंग लैटर होएगा सैलरी स्लिप्स उन्होंने कोल होएगी सो ये सारे प्रूफ भी यूनिवर्सिटी कॉलेज मंगता है। जे मेरे मदर का कोई बिजनेस है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन सानू चाहिए होंगे हैं वो किदा बिजनेस करते हैं उन्होंने करंट अकाउंट होएगा और ट्रांजैक्शन होंगी होनी जे आप खर्चा दिखा रहे तो एक्सपेंस का भी रिकॉर्ड होंगे होएगा। ITR मेन मंगी जाती है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जिन्हों आप कहने हैं तो वो किन्ने की भर दौ तो जे आप यूनिवर्सिटी क्लीयर करते हैं तुम जे एक साल की फीस 15 लाख पे कर रेडी है इट मीनस तुहाडे फैमिली की इनकम हर साल की इस तो वध ही होएगी ता ही अस एक साल का खर्चा दिखा पा रहे हैं। जे 15 लाख मैं फीस भर रही हूँ तो मतलब मेरे पेरेंट्स की इनकम घट तो घट 20 लाख रुपये साल की होनी चाहिए है तो यह भी मैटर करता है। फंड की आप गल कर चुके इनकम हो गई तो इस तो अलावा बहुत छोटी छोटी डॉक्यूमेंटेशन होंगी एफिडेविट्स हो गए तुम जी फीस ट्रांसफर कर रहे हो कि अकाउंट तो कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों का जो तुम ध्यान रखोगे एक बार अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करोगे हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी GT क्लीयर ना हो तो इनटेक डेफर हो। जी बिल्कुल तो मैं GT नू लैके थोड़ा होर एक सवाल करना चाहूँगी कि किन्ने टाइम पहला पूरी तैयारी स्टूडेंट नू जो है करके रखनी चाहिए है GT क्लीयरेंस नू लैके और जिहड़े भी स्टूडेंट्स है तुहाडे कोल भी सवाल आते हैं कि GT क्लीयर नहीं हो रही है की रीजनस उहदे विच तुसीं देखदे हो प्रोफाइल्स दे विच कि क्यों डिले हो रहा हुंदा है क्लीयर होने में GT। मेन रीजन जिहड़े मैं देखे कि अजकल दी जे असीं स्टूडेंट्स की गल करते हैं हर बच्चा पैकेज केस इंट्रस्टिड है राइट तो असीं भी बिल्कुल पैकेज ऑफर करते हैं बट सानू नहीं पता तुसी जिस कोल गए हो वो तुसी अपनी फाइल वधिया हाथ विच दित्ती है नहीं दित्ती है। कई बच्चे नू आ ही नहीं पता हुंदा जी साडा ऑफर लैटर कित्थों आया है या GT दी जिहड़ी रिक्वायरमेंट है एजेंट ने आगे पूरी की भी नहीं की है बट जो मेरा परसनल एक्सपीरियंस रहा है वो प्रॉब्लम आ ही आती है बच्चे आ ही नहीं पता होंगे कि मैं टोटल फंड शो किन्ने दे करने हैं या जे मैं अपनी इनकम दिखाई है वो ITR किन्ने दी होनी चाहिए है। ओवरऑल जो आप गल कहीए कि असी जे मैं अपना एक्सपीरियंस की गल करा साढ़े को जो भी बच्चा ऑफर लैटर अपलाई कर आंदा ऑस्ट्रेलिया लिए असं उस टाइम ही बच्चे क्लीयर कर देने कि तेनों किन्ने फंड्स की लड़ है किन्नी इनकम तेरे पेरेंट्स की तेरे को होनी चाहिए है ताकि जो भी अपना ऑफर लैटर आता कहू तो आप कि यूनिवर्सिटी ते कॉलेज 40-45 दिन लाता है बट कई बार बच्चे की हफ्ते 10 दिन में भी ऑफर लैटर आ जाती है तो करके आप डे वन ही बच्चे इनकम क्लीयर कर देने फंड्स क्लीयर कर देने हैं तो ये जो बच्चे चीज़ा क्लीयर होंगी है तो वो GT प्रॉब्लम नहीं आती बट यस बच्चे प्रॉब्लम कितने आती है कोर्स इररेलीवेंस ड्यूरेशन के जिमें ऑस्ट्रेलिया मोस्टली यूनिवर्सिटी तो बैचलर या मास्टर डिग्रीज ही दिनी है तो ये कई बार बच्चा कह देना कि मेरा बजट नहीं है तो मैं डिप्लोमा दे दो बट उन्होंने वैल्यू समझ आनी चाहिए है कि बैचलर डिग्री की वैल्यू कितने ना कि वध होंगी है एज कंपेयर टू डिप्लोमा प्रोग्राम्स। दैन एक बच्चे ने आर्ट्स की है बट आप उन्होंने कोर्स बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रीम दे देता है आप फॉर एग्जाम्पल मैडिकल स्ट्रीम की गल करते हैं एक मैडिकल के स्टूडेंट को असं हमेशा ही हैल्थ केयर नर्सिंग के कोर्स देंगे बट जो बच्चा बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स ले लें तो वह रेलेवेंस कितने बनती है बिल्कुल भी नहीं बनती तो ऑफकोर्स एम्बेसी ने तो श्योर है वह वीज़ा नहीं देना तो कॉलेज पार्ट से ही GT के टाइम ही वो रिजेक्ट हो जाता है। जी 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 बिल्कुल सो तुम GT थोड़ी जो है टाइमली क्लीयर होवे सो इन गलों के उपर तुसी ध्यान जरूर रखना है। कोई होर सवाल होवे तुहाडा तां लगातार नंबर डिस्प्ले इस उपर कॉल भी तुसी कर सकते हो कमेंट सैक्शन में भी तुसी अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हो। सो बहुत बहुत थैंक्स कीर्ति क्या तुसी GT क्लीयरेंस नू लैके ते इनटेक्स नू लैके ऑस्ट्रेलिया दे काफ़ी खुल के जो है डिटेल दे विच पूरी जानकारी स्टूडेंट्स दे नाल शेयर की है। स्टूडेंट्स नू जरूर कहना चाहेंगे अज की वीडियो चंगी लगी है इनफॉर्मेटिव लगी है तो इस नू लाइक एंड शेयर जरूर कर देना कमेंट सैक्शन में भी तुसी अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हो। सो अगों भी तुहाडे लई इसे ढंग नाल असीं इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे। फिलहाल दे लई सानू दिओ जी इजाजत सत श्री अकाल थैंक यू।